अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज का दिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मौसम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। कैसे हो सब? तो दोस्तों बारिश जो है शुरू हो गई फिर से, और आज जो है हमारी जो मुर्गी है वो कुड़क हो गई। कौन सी मुर्गी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसके नीचे मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी और ऊपर ये चीज़ डाल दी सब मिक्स करके, तो अच्छे से बन गए यार। मौसम बहुत ख़तरनाक हो गया, देख सकते हैं आप, तूफान भी आ सकता है लेकिन हवा अच्छी चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है फिलहाल। तो इसको तो बना लिए। अंडे दे रहे हो तुम? मुर्गी भी लिया ना? अंडे रखो, मैं तब तक मुर्गी लिया। तो यार ये दो वाले जो अंडे हैं ये थोड़े स्वेलनेस पे निशान लगे, पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक अंडा जो है उसको बोल दो, एक अंडा उसके नीचे पड़ा हुआ मुर्गी के नीचे, उसको साथ भी लिया। एक अंडा और दो। एक मिनट सबर, आराम से तसल्ली से। चलो इसको ऊपर इसको नहीं बिठाऊंगा, सबर करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिठा दिए, ये बैठ गई मुर्गी। तो इसके ऊपर मैंने जाल रख दिए, इसको और मुर्गे मुर्गिया डिस्टर्ब ना करें। बाहर आ जा, आ जाओ आ जाओ। इसको बंद कर यार, अंदर नहीं जाने। म्याओ, हेलो यार, ये बीमार हो गई। तो दोस्तों तो हमने इसको बंद कर दिए और आप बाहर की हालत देख सकते हैं, ज़्यादा इतनी बारिश हो गई, सही है, मौसम बहुत अच्छा हो गया यार। और छत का हाल जो है आप बारिश में देख ले तो बहुत अजीब हुआ था यार, तो हर जगह से पानी पानी आ रहा था। तो इसके बीच में हमने दो बड़े बड़े लकड़ियाँ रख दी, एक ये वाली एक ये वाली और एक वो, तो थोड़ा बहुत गुजारा हो गया। और इसमें तो पानी भी आ रहा है, थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे। और हालत आप देख सकते हैं, पिंजरे के अंदर पानी नहीं, बाहर से पता नहीं बारिश की वजह से सब इधर उधर हो गया सीन। जिस मुर्गी को हमने अभी अंडों पर बिठाया है ना, तो इसका जो है फर्स्ट टाइम है, इसने अंडे दे दिए थे। हमने आपको वीडियो बताई भी थी, छोटे छोटे अंडे दिए हुए थे। तकरीबन ये कुड़क हो गई हमारे पास, तो मैंने सोचा ने कहा कि इसको अंडा रख देते। तकरीबन इसके हमने 11 अंडे रख दिए और आज पहला दिन हमने इसको बिठा दिए। तो इंशाल्लाह देखते कि फिर क्या बनते हैं, कि कितने बच्चे निकालती है। उम्मीद इंशाल्लाह पूरे सब निकाल देगी ये। तो ये हमारे साथ फर्स्ट टाइम कुड़क हो गई और हमने इसको बिठा दिए, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह से ये जो है पूरे बच्चे दे दे। तो दोस्तों हमें इंशाल्लाह उम्मीद है ना कि इस बार ये पूरे बच्चे निकाल लेगी, अंडों में से एक भी खराब नहीं होगा। और शायद ये ईद के नज़दीकी दिनों में जो है तकरीबन बच्चे निकाल ले। तो इसको हमने आज बिठा दिए, सही है। और जो दूसरी वहाँ पर है, जो तकरीबन एक मौत का बच्चा संडों में से निकला हो गया,
तो दो अंडों का पता नहीं चला, उसको कुछ दिनों में पता चल जाएगा ख़राब हो गए या फिर उसमें से बच्चे निकल आते, तो फिर देखते ना उसको भी शायद हम इधर शिफ्ट कर दें, क्योंकि वो कमरे में कुछ बहुत काफ़ी दिनों से वहाँ पर अकेली भी है, अभी उसका बच्चा भी उसके साथ है, तो हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।